नमस्कार, मैं श्वेता श्रीवास्तव, और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग जानेंगे कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स और उनके राइटर्स के नाम, साथ ही जानेंगे वो किस समय अवधि में लिखे गए हैं। यह जो बुक और उनके राइटर हैं, यह एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। या तो राइटर का नाम रहता है और चार ऑप्शन बुक्स के होते हैं, उसमें से आपको एक चूज करना होता है। सो जैसा भी ये लिस्ट है, आप उसे लाइन बाय लाइन कंठस्थ कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली लाइन है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कुछ ग्रंथों को उनके कालानुक्रमिक क्रम में सूचीबद्ध करने का प्रयास किया गया है। फर्स्ट में आप काम यानी वर्क देखेंगे, वो काम मतलब यहाँ बुक के नेम से मतलब है। और फिर उसके बाद है अवधि, मतलब वो किस समय में लिखे गए हैं। और तीसरे इंडेक्स में है लेखक का नाम, मतलब उस बुक का लेखक कौन है। सबसे पहला बुक आपको यहाँ दिख रहा होगा, नाट्य शास्त्र। इसकी समय अवधि, जो लिखने की अवधि है, इसमें 2/3 करके लिखा हुआ है। एक्चुअल में यह 200 ईसा पूर्व से 200 CE के बीच का होगा। कहीं कहीं आप इसे 500 ईसा पूर्व से 500 CE के बीच भी देख सकते हैं, और कई बार 1st सेंचुरी BCE से 3rd सेंचुरी CE तक लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन ज्यादातर 200 ईसा पूर्व से 200 CE के बीच मिलता है। यहाँ पे 2/3 से मतलब है 200 ईसा पूर्व से 300 CE के बीच। विष्णु धर्मोदा, यह जो बुक है वह वैष्णव परंपरा के अंतर्गत है। वैष्णव यह चित्रकला पर सबसे पुराने ग्रंथ है। संस्कृत में यह ग्रंथ है और इसमें बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी है, ब्रह्मांड, विज्ञान, व्याकरण, दान, तपस्या, नृत्य, गायन, इन सब के बारे में और भी चीजें हैं। इसमें 3 खंड है टोटल। पहले खंड में 269 अध्याय है। सोचिए, मैं यहाँ श्लोक या छंद की बात नहीं कर रही, 269 अध्याय है, अध्याय लेशन पहले खंड में। वहीं पे दूसरे खंड में बात की जाए, दूसरे खंड की, तो दूसरे खंड में है आपका 183 अध्याय। और तीसरे खंड की बात की जाए, जो आखिरी खंड है, तीसरे खंड में 118 अध्याय है। यह जो विष्णु धर्मोदा ग्रंथ है, इसको 5वीं से 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में लिखा गया है, और इसके लेखक का नाम ज्ञात नहीं है। इस बुक को पढ़ते समय एक नाम आता है, स्टेला क्रैमरिस। स्टेला क्रैमरिस, इनका नाम अभी हाल में एस्टेट के एग्जाम में पूछा भी गया था। स्टेला क्रैमरिस ने इसी ग्रंथ का कुछ हिस्सों का अनुवाद अंग्रेजी में किया है, और स्टेला क्रैमरिस का मानना है कि यह जो ग्रंथ है वो 5वीं से 6ठी ईस्वी पूर्व यानी 4थी ईस्वी पूर्व से पहले का नहीं हो सकता। यानी वो भी ये अनुमान लगाते हैं, मानते हैं कि 4थी ईस्वी पूर्व से यह ग्रंथ, मतलब 4थी ईस्वी पूर्व से पहले का नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी इसमें विषय दिए गए हैं, चित्रकला से संबंधित चीज़ें दी गई हैं, वह 7वीं सदी के आसपास की है। तो जो भी अनुमान है कि ये 5वीं और 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का बुक है, वो सही है। चलते हैं आगे। अभिनव भारती, यह 10वीं से 11वीं सदी में लिखा गया है, और इसके राइटर है अभिनव गुप्त। यह भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की एक टिप्पणी है, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की टिप्पणी है। आगे चलते हैं,
नाम है बुक का दस रूपक। दस रूपक 11वीं सदी में धनंजय के द्वारा लिखी गई है। यह नाटक पर आधारित बुक है जिसमें नाटक के लक्षण या प्रकरण वगैरह बताए जाते हैं। नेक्स्ट है नाट्य दर्पण। नाट्य दर्पण 12वीं शताब्दी में रामचंद्र और गुणचंद्र के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है मानसोलस। मानसोलस को अभिलाषार्थ चिंतामणि के नाम से भी जानते हैं। अभिलाष सार्थ चिंतामणि। नेक्स्ट है आपका नाटक लक्षण रत्नकोश 12वीं से 13वीं सदी में सागर नंदिन के द्वारा लिखा है। इसके नेक्स्ट है भाव प्रकाशन जो 13वीं शताब्दी में लिखा गया है शारदा तने द्वारा। फिर है नेक्स्ट संगीत सामरस्य 13वीं शताब्दी पार्श्वदेव। संगीत रत्नाकर 13वीं सती सारंगदेव के द्वारा। नृत्य रत्नावली 13वीं सती जय सेनापति के द्वारा। अभिनय दर्पण 13वीं शताब्दी नंदीकेश्वर के द्वारा। नेक्स्ट है संगीत मकरंद 13वीं से 14वीं शताब्दी नारद के द्वारा। साहित्य दर्पण 14वीं सदी विश्वनाथ के द्वारा। संगीतोपनिषद शरोद्रा 14वीं सदी में सुधा कलश के द्वारा। संगीताचंद्र 14वीं से 15वीं सदी विप्रदासा के द्वारा। संगीत दामोदर 15वीं सदी शुभंकर। हस्तमुक्तावली 15वीं सदी शुभंकर। नाट्य अध्याय 15वीं सदी अशोकमल्ल। नृत्य रत्नकोश 15वीं सदी महाराणा कुंभा। भरतारण 16वीं सदी नंदीकेश्वर। नर्तन निर्णय 16वीं से 17वीं सदी पुंडरीक विठ्ठल। रस कौमुदी 17वीं सदी श्रीकंठ। संगीत दर्पण 17वीं सदी दामोदर। संगीत नारायण 17वीं सदी पुरुषोत्तम मिश्रा। संगीत मकरंद 17वीं सदी वेद सूरी। शिव तत्व रत्नाकर 18वीं सदी बसवराज। संगीत सार संग्रह 19वीं सदी घाना श्यामदास। जो भी ये बुक्स एंड उनके राइटर्स हैं आपको इनके नाम को बिल्कुल कंठस्थ करना होगा अगर एग्जामिनेशन में आप कोई भी क्वेश्चन में गलती नहीं करना चाहते, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं ये जो भी नाम है यहाँ पे वो लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। सो आप इनके राइटर में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो अच्छा होगा कि आप इसे कंठस्थ कर लें, बिल्कुल रट्टा लगा लें। और इसकी जो भी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम का नाम है बिहार एस्टेट फॉर डांस। यहाँ से आप इसकी पीडीएफ जो भी आपने देखी वो ले सकते हैं और इसे पूरी अच्छी तरह से कंठस्थ कीजिए। थैंक यू।